हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 178, 179, 180 और 181 के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आपको आई बटन पर क्लिक करने पर उसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 178 के बारे में। ये क्या कहती है? ये कहती है शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए आबद्ध किया गया हो सम्यक रूप से, यानी कि सत्य रूप से ऐसे व्यक्ति को आबद्ध किया गया हो शपथ के लिए कि भैया आपको जो है शपथ ग्रहण करना है या शपथ पत्र देना है आपको, और वह व्यक्ति ऐसा करने से इनकार करता है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 178 के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 178 में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इनकार करेगा जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा किसी लोक सेवक के द्वारा की गई हो और वह ऐसा करने से इनकार करता है, यानी कि अपने आप को शपथ के लिए आबद्ध नहीं करता है और शपथ से वो इनकार करता है, तो यहां पर कहा गया है कि उसे सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। यहां पर कहा गया आईपीसी की धारा 178 में कि कोई व्यक्ति शपथ से इनकार करता है तब। यहां पर एक बात और हमारे आपके ध्यान में लाने योग्य है, वो यह है कि किरण बेदी बनाम कमेटी ऑफ इंक्वायरी का मामला था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि जहां शपथ लेना या प्रतिज्ञान करने से इनकार किया जाना न्यायोचित हो वहां इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसमें? किरण बेदी के मामले में। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 179 के बारे में। 179 क्या कहती है? यह कहती है प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, यानी कि किसी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और वह उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आबद्ध है, यानी कि आवश्यक है कि वो उन क्वेश्चनों के जवाब दे, लेकिन वह व्यक्ति उस लोक सेवक के समक्ष लोक सेवक के सामने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर देता है तो वह आईपीसी की धारा 179 के अंतर्गत दंडनीय होगा और उसे सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या उसको दोनों से भी दंडित किया जा सकता है, यानी कि दोनों ही 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है और 6 माह तक की उसको सजा भी हो सकती है। कब? जब वह लोक सेवक के समक्ष लोक सेवक द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे प्रश्नों का जवाब दे और वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है और न्यायिक रूप से यानी कि विधिक रूप से उसको उन प्रश्नों को का उत्तर देना ही चाहिए, आवश्यक है, ऐसे समय में वह इनकार करता है तब आईपीसी की धारा 179 के अंतर्गत वह दंडनीय होगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 180 के बारे में। आईपीसी की धारा 180 क्या कहती है? ये कहती है कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, यानी कि कुछ कथन है जो कि उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के संदर्भ में लिखे गए हैं और वह व्यक्ति ये जानता है कि ये जो कथन है ये सत्य लिखे गए हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसके बाद भी वो उन कथनों पर जो है हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो वह आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करेगा। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर, यानी स्वयं उसने कथन किए हैं, हस्ताक्षर करने से किसी लोक सेवक के समक्ष इनकार करेगा
जो कि वैध रूप से सक्षम है हस्ताक्षर करवाने के लिए उस व्यक्ति से, वो वाला लोक सेवक जो वैध रूप से सक्षम है हस्ताक्षर करवाने के लिए उसके समक्ष, हस्ताक्षर नहीं करता है, वो हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा, या दोनों से भी उसको दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत, यानी कि कोई व्यक्ति कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है और ऐसे कथन उस व्यक्ति के द्वारा ही किए गए हों, तब। अच्छा, एक बात और है कि किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कथन ऐसा होना चाहिए जिस पर विधि पूर्ण रीति से हस्ताक्षर करने के लिए अभियुक्त को कहा गया हो। अविधि पूर्ण हस्ताक्षर करना या अविधि पूर्ण तरीके से हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 181 के बारे में। आईपीसी की धारा 181 कहती है कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान या मिथ्या कथन करना, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लोक सेवक के द्वारा किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई और उसने शपथ ग्रहण भी कर ली। शपथ ग्रहण की इस बात की कि वह जो भी कुछ कहेगा वो सत्य ही कहेगा, लेकिन इसके बाद भी वो असत्य वचन करता है, असत्य कथन करता है, वह यह जानते हुए असत्य कथन करता है कि वह जो कुछ कह रहा है वो झूठ है, तो ऐसे समय में आईपीसी की धारा 181 के अंतर्गत उसको दंडनीय माना जाएगा। क्या? कि जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, या फिर उसको जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, या उसको दोनों से ही दंडित किया जाएगा। ये कानूनी लैंग्वेज में आईपीसी की धारा 181 को मैंने बताया। 181 के जो आवश्यक तत्व हैं, जरा हम उन पर विचार कर लेते हैं। पहला आवश्यक तत्व तो ये है कि व्यक्ति द्वारा शपथ पर ऐसी शपथ ग्रहण करने के लिए उसका आबद्ध होना आवश्यक है, उस व्यक्ति का जो शपथ ग्रहण कर रहा है। दूसरा यह है कि वह सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध किया गया था, सत्य कथन करने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि शपथ अथवा प्रतिज्ञान द्वारा लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिलवाई गई थी, यानी कि ऐसी शपथ किसी लोक सेवक के द्वारा या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा ऐसी शपथ उसको दिलवाई गई थी और उसने स्वीकार की थी। क्या? कि कथन करने के लिए आबद्ध ऐसे व्यक्ति द्वारा कथन किया गया था कि वह जो भी कुछ कहेगा वो सत्य ही कहेगा। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि फिर उसने झूठ बोला, यानी कि जो सत्य कथन करने के लिए आबद्ध था लेकिन उसने ऐसे सत्य कथन नहीं किए। अब ऐसे सत्य कथन क्यों नहीं किए? जानबूझकर नहीं किए, मतलब कि उसको ये पता था कि वह झूठ बोल रहा है। यदि वह ऐसा असत्य कथन उस तरीके से करता कि यदि उसको ये पता होता कि वो जो बोल रहा है वो सत्य है, लेकिन यदि वो झूठ होता तो आईपीसी की धारा 181 लागू नहीं होती। लेकिन वह यह जानते हुए कि वह असत्य कथन कर रहा है और वह ऐसा कथन करता है, तो वह आईपीसी की धारा 181 के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड
अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करें, यहां पर आपको पूरी की पूरी आईपीसी आई बटन पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।